बेहतरीन नुस्खा है और यह सिर्फ कुछ भी नहीं है, आप तन्हा इस्तेमाल करना है जंजबील को, 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम, शहद में गोलियां बनाकर आप इस्तेमाल कीजिए। दर्द के अंदर यकीन मोहल्लुल है, ये मोहल्लुल आराम है और बेहतरीन जो एंटी इंफ्लेमेटरी है और इसके साथ में दर्दों को जो है बेहतरीन कम करने वाली दवा है। आप इसको सुबह शाम 2-2 ग्राम दीजिए और शहद के साथ गोली बनाकर देंगे तो और फायदा होगा, या आप तन्हा भी दे सकते हैं, दोनों इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन नुस्खा है, आप इसको लिख लीजिए। और इसका ये एक्सेल एप्लीकेशन का एक नवा नुस्खा आप देख ले सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैं ये बताया था कि यह जो एप्लीकेशन के लिहाज से रोगने बादाम है और जंजबील, रोगने बादाम के अंदर को पाउडर के हल, मतलब जंजबील का जो पाउडर है उसको हल करना है रोगने बादाम में, और पिंपल्स के लिए जो इससे पहले मैं बताया था अलसी के सिलसिले में, वैसे ही इसको भी आप अप्लाई करेंगे तो ये भी बेहतरीन नतीजे देता है। बस उसको रोगने बादाम में अप्लाई करके मिलाकर आप जस्ट आपको पिंपल्स में लगाना है, ये भी बेहतरीन नुस्खा है जैसा कि मैं आपको अलसी के सिलसिले में बताया था। तो ये भी आप नुस्खा नंबर 9 नोट कर लीजिए, बहुत आसान आसान अल्टरनेटिव बहुत है आपके पास। एक ही मतलब बीमारी के लिहाज से आपको 5 से 7 या 10 नुस्खे अभी दे रहा हूं मैं, आप अगर उसको आप देखो आपकी प्रैक्टिस में फायदा नहीं हो तो नुस्खा नंबर 2 जाओ, नुस्खा नंबर 2 नुस्खा नंबर 3 में जाओ, आपको 100% कोई ना कोई नुस्खे में तो मिल ही जाएगा ना। अगर मेरी प्रैक्टिस में मैं देख लिया हूं तो आपकी प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है तो दूसरा नंबर मूव करो, दूसरा नंबर 2 की तरफ, एक नुस्खे में नहीं आ रहा तो दूसरे नुस्खे में देखो, आप प्रैक्टिस करके देखो उसमें कैसा आपको असर है। तो आपको तो मैं ऑल्टरनेटिव भी दे रहा हूं साथ में यहां पर, तो उसका नंबर 9 लिख लीजिए, उसका नंबर 10 अब आप इसके अंदर जो है आप ये भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिहाज से आप इसको जंजबील के, अब जैसे मैं आपको फिर इससे पहले जो दांतों का नुस्खा बताया था वैसे ही ये भी अंजीर के सिलसिले में जो बताया था मैं आपको, ये भी वैसे ही तरीके से इस्तेमाल करना है। इसके पाउडर को नमक में मिलाकर जो है दोनों हम मंजन लेके आप मंजन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो 2 चीजों का एक्स्ट्रा फायदा होगा इसमें, एक दांतों में जो पीलाहट रहती है वो फौरन गायब हो जाएगी। आप इसके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है, साथ में आकर जो है आप दूसरे फवायद जो मिलना है वो मिलकर ही रहेंगे, लेकिन ये खासकर दांतों की जो पीलाहट है उन लोगों की, जो मरीजों को जो पान वगैरह जो खाते हैं उन लोगों को जो है ज्यादातर आप देखे होंगे, उनको रोजाना 2 बार आप हिदायत करो कि जो है अप्लाई करने के लिए। इंशाल्लाह बना कर रखो, कितना पैसा लगेगा आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ी आपको पैसा लगेगा बहुत ज्यादा, बहुत सस्ते नुस्खे हैं, बहुत सस्ते नुस्खे हैं, आप फ्री भी दे सकते हैं मरीजों को, फ्री भी दे सकते हैं, कुछ ज्यादा नहीं आपका, जब आपको तजुर्बा करके आपको जो इसमें इफेक्ट देख लेते हैं तो लगाओ बोली उसको, लाभ की 2 लाख के लगाओ, 3 लाख के लगाओ, आप लगा कितना भी लगा सकते हैं, आपके इस्तेदार के आपकी हिम्मत के मुताबिक लगा सकते हैं, जो भी लगाना है लगाओ, बस आपके राजा आपकी मतलब क्या आप राजा हैं, आप कैसे भी जो भी बोले। मैं बाज वक्त कभी कभी क्या होता है दुबई वगैरह में वो हिसाब जो थोड़ा बहुत आगे होता है, वो लोग अरबी में बात करते हैं, मैं एक बोलता हूँ ट्रांसलेटर है, मुझे ज्यादा अरबी समझता हूँ लेकिन बात नहीं कर पाता मैं, तो कभी बहुत मतलब हुआ है कि वो जो ट्रांसलेटर होता है तो उसको जो है मैं एक बोलता हूँ तो उन्हें एक समझ के एक सुन के एक बोल देता है, तो अब समझो कि 5 की जगह 50 बोल दिए तो भी देने के लिए तैयार है लोग, 5,000 की जगह 50,000 भी लग गए तो आप कोई पूछता है कि 50,000 क्यों में बोले, बोल तो ऐसा हुआ है मेरे साथ, कोई कभी नहीं पूछा कि क्यों 50,000 बोले आप, बोलते मिसाल की आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये चीज भी हो सकती है आपके मतलब के अंदर जब इस्तेमाल करेंगे तो आप भी बोली लगा सकते हैं, कितने हजार के लगाना है उतने हजार के लगाओ, अगर आपका वहां पर आपको असर है तो देने के लिए तैयार। आज दुनिया के अंदर कोई भी मालदार, इतने मालदार हैं, इतने मालदार हैं, भीख मांग रहे हैं एक एक तबीब के पास शिफा की, एक एक जमीन के पास जा रहे हैं, एक एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लाखों खर्च कर रहे हैं, भाई डॉक्टर साहब मैं आ गया, मेरे पास जब भी आते इतनी इतनी रिपोर्ट ले गया, इतनी इतनी रिपोर्ट, तकरीबन कैसे 15-20 डॉक्टर के पास जाके आते लोग, वहां गया 1 लाख रुपए खर्च हुए, यहाँ गया 2 लाख रुपए खर्च हुए, यहाँ गया 4 लाख रुपए खर्च हुए, यही बात, कुछ भी फायदा नहीं होता है आपको, जस्ट छोटे से नुस्खे में जो फायदा होता है वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अंदर जो है वो लोग एडमिट करा के महीने रखकर जो भेज कर भी जो उनको नहीं होता है। ये चीजें आप आपके मतलब के अंदर देखिए, मालूम होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब उसके बाद नुस्खा नंबर